मेरा पता 24 करोल बाग आ जाइयो। हमें माफ कर दीजिए नीतू जी। क्या हुआ? हमने आपका दिल दुखाया। हम भी ऑफिस जा सकते हैं और हम ऑफिस जाएंगे, लेकिन हम जा नहीं पाए। उम्मीद जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती है। हम कितनी भी कोशिश करें कुछ कर ही नहीं पाते। आप एक बात बताइए, ऑफिस में नकुल भैया के सिवाय आप किसी को जानते हैं क्या? हमारे मैनेजर अंकल हैं, जो मेरे भाऊजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर समझिए आपका काम हो गया, पर आप ये बात नकुल भैया को नहीं बताएंगे। मैं खुद आपके मैनेजर अंकल से बात करूंगी, आप उनसे अपना सारा ऑफिस का काम सीख सकते हैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हेलो, क्या हाल है नकुल सिंह डागर के? बहुत बढ़िया अनीता, हम तो आनंदित जीवन जी रहे हैं। और ये जानकर कि तुम अब भी उसी सदमे में हो, मन और प्रफुल्लित हो उठा। तुम्हारा हाल जानकर अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर करना चाहती हूँ। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, हर तरह से ठीक ठाक लड़की नीतू का रिश्ता तुम्हारे पागल भाई ओमी से करने को सिटी परिवार तुरंत मान गया? सोचो, और जब जवाब मिल जाए तो फोन करना। ओके? अनीता ऐसा क्या जानती है? माँ, मैं तू कहाँ जा रही है? माँ, अभी तो मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, लेकिन कॉलेज के बाद हॉस्टल जाऊंगी। वो जो हमारी क्लास में हॉस्टल की लड़की है ना, वो एक पार्टी दे रही है। लास्ट ईयर है ना, एक महीने बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पर देख लौटने में देर मत करना। हाँ माँ। मिली, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, वकील साहब से मिलने। तो चल तुझे कैंपस छोड़ देता हूँ। चलो आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी जी, ये देखो अपना नया घर है। 12x24 के दरवाजे तो हमेशा ही खुले रहते हैं। देखो मम्मी जी, देखो ये अपना घर, देख लो, नया फर्स्ट क्लास। अल्लाह, तो फिर घुस गया? अरे मेरी जान, ठंड रख ठंड। उस दिन इंस्पेक्टर साहब ने क्या समझाया था, समझ में नहीं आया क्या? गोलू, घर बड़ा छोटा है। ओए होए मम्मी जी, आपको भी लग रहा है, ये ऐसे करेंगे ना, ये दीवार गिरा देंगे, ये किचन हटा के इकट्ठा कर देंगे इन दोनों चीजों को। आप क्यों टेंशन लेते हो? बस मम्मी जी, सिमी जी का रूम वैसे का वैसे ही रखेंगे, उसमें ना मैं रह जाऊंगा। मेरी में बड़ी यादें बसी हुई हैं इस घर के अंदर। एक बात घुसा ले अपने दिमाग में, जब तक हम इस घर में हैं ये घर हमारा है। चुपचाप निकल ले यहाँ से, वरना। हाय हाय, मेरा कोई छोटा भाई होता ना मेरे जैसा, तो आपकी शादी करा देता उससे। मम्मी जी, क्या है ये मिली जी, मुझे बड़ी स्वीटू लगती है। स्वीटू बोलना, बकवास मत कर, बहुत हो गया तेरा। ओए चुप कर, मेरे ही घर में मेरे से ऊंची आवाज में बात मत कर, समझा? और सुनो, तुम्हारे पास ना 6 दिन है खाली, इस घर को खाली करने के लिए। 6 दिन में इस घर से गेट आउट। जय माता की आंटी जी। चले मम्मी जी, अगली बार इंटीरियर डेकोरेटर साथ लेके आएंगे। हैं टाटा। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, अरे यहाँ नया पेंट करा देंगे। मिली, तू आज बाहर मत जा, ये पार्टी शार्टी बेटा मेरा दिल नहीं मान रहा। किस लिए माँ, इस आदमी की वजह से? अरे ऐसे लोगों की तो कोई औकात ही नहीं होती है, ये लोग तो यही चाहते हैं कि हम उनसे डर कर बैठे रहे। हाँ माँ, हम ऐसे लोगों की वजह से अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते, और मैं छोड़ रहा हूं ना मिली को, आप चिंता मत कीजिए। चल मिली। लापता 24 करोल बाग आ